Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन आयकर विभाग के चपेट में आ ही गए। आयकर विभाग के छापे के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वह निश्चित रूप से चौंकाने वाली है। इन तस्वीरों में एक कमरे में भरे पड़े नोटों के बंडल वे उन्हें गिनने की कोशिश करते हुए आयकर विभाग के कर्मचारी को दिखाया गया है। बंडल में नोटों की संख्या इतनी अधिक है कि इन्हें गिनने के लिए कई मशीनें मंगाई गई हैं। आयकर विभाग के मुताबिक करीब 150 करोड़ रुपए की नकदी वहां से बरामद की गई है। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चढ़ निकला है। भाजपा ने सपा पर निशाना साधते हुए इत्र की खुशबू को दुर्गम में तब्दील करने की भरपूर कोशिश की है, तो सपा ने कहा है कि पीयूष जैन का सपा से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह भाजपा से जुड़ा है। अधिक चंदे की मांग पूरे न होने पर यह छापा डलवाया गया है। दरअसल अहमदाबाद की DGGI टीम ने एक ट्रक को पकड़ा था। इस ट्रक में जा रहे सामानों का बिल फर्जी कंपनियों के नाम पर बनाया गया था। सभी बिल 50,000 रुपए से कम के थे ताकि ईवे बिल न बनाना पड़े। इसके बाद DGGI ने कानपुर में ट्रांसपोर्टर के यहाँ छापेमारी की। यहाँ पर उनको करीब 200 फर्जी बिल मिले। यहीं से DGGI को पीयूष जैन और फर्जी बिलों का कुछ कनेक्शन पता लगा। इसके बाद विभाग ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी। पीयूष जैन के घर जैसे ही अफसर पहुंचे और अलमारियां खोलने शुरू की तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद आयकर विभाग को सूचित किया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।